Efendim, ben böyle bir gelmedim. Afiyet olsun. Sağ ol lan. Salut. धन्यवाद देने आए हैं माननीय मंत्री जी, आपके स्वागत में और धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं सर। आपने इतना बिजी होते हुए हम लोगों को समय दे दिया, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं सर। लाओ सर, ये विभाग का एक स्मृत चिन्ह है तो आपके लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से भेंट किया जा रहा है सर। और सर विभाग की बहुत सी गतिविधियाँ जो हुई हैं सरकार में आपके मार्गदर्शन में, तो वो उनकी शुरुआत नमामि गंगे से हुई थी। और ये सर एक पुस्तक मैंने सर्वोत्तम संभव पुलिस व्यवस्था एक पुस्तक लिखी सर, इसका विमोचन आज मुझसे होना है सर। जी पहली कॉपी हुई आप जी 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 जी। और इधर सर ये एस के सिंह आपको सर कन्नौज की खुशबू थोड़ी सी लाए हैं सर, कृपया स्वीकार करिएगा। सभी कृतियाँ हम सर आवाज पे थैंक यू सर। आपके प्रदेश में सर 1,18,000 होमगार्ड स्वीकृत हैं सर, उनमें से 95,000 इस समय सक्रिय। और आपने सर एकाएक जो 25,000 संख्या से प्रेरित होकर तमाम व्यवसायिक लोगों ने जो सरकारी संगठन है, यूनिवर्सिटी है, BSNL है, दूरदर्शन है, ये सब लोगों ने मांगा, तो 37.5 और ट्रेनिंग वाले बचे हैं सर, तो वो भी आपके आशीर्वाद से अब इतनी डिमांड बढ़ गई है कि वो भी जल्दी ही उम्मीद है लग जाएंगे सर। आपके आशीर्वाद से सर नमामि गंगे का प्रोग्राम तो बहुत कारगर रहा सर, एक महीने चला, बलिया हरिद्वार से बलिया और सब जेल लगाए गए, और बाढ़ राहत में पूर्वांचल में इस बार सर 1200 जवान हम लोगों ने भेजे, तो उन्होंने बहुत मेहनत से तमाम जान बचाई, लोगों की मदद की। और दो काम हम लोगों ने सर संकल्प लिया है कि एक तो होमगार्डो की वर्दी और टर्नआउट ठीक करेंगे सर, कि ये अच्छा कपड़ा पहने, तो आप देख रहे होंगे सर ये होमगार्ड कहीं पुलिस से कम नहीं लग रहे हैं। और सर दूसरा हम लोगों ने संकल्प लिया है कि विभाग में कोई भी जो सर्टिंग ड्रिल सिखाई गई है, और माननीय मंत्री जी ने सर मुख्यालय में आके जो बेस्ट और सबसे आनेस्ट सुपरवाइजर थे उनको सबको सम्मान चिन्ह दिया है, प्रेफरेंस दिया गया। तो सर छोटी छोटी कुछ दिक्कतें हैं सर, जो आप तो सर जानते हैं होमगार्ड बहुत गरीब बहुत कमजोर कम अल्प वेतन भोगी अल्प मानदेय पाता है सर, करीब 375 रुपए होते हैं सर एक दिन के, तो इस तरह की इनको रिटायरमेंट में भी कुछ नहीं मिलता है सर। कुछ एक चाहे तो माननीय मुख्य सचिव जी को या माननीय वित्त मंत्री जी को किसी को सर थोड़ा सा तो कुछ समस्याएं की हल हो जाए, क्योंकि सरकार बहुत करेगी चेक हम लोग जानते हैं तो सारे प्रदेशों में सर असल में हमसे ज्यादा हो गया इनका जो भत्ता मिलता है, तो औसत 589 रुपए पड़ता है सर, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि सर कुछ हाँ थोड़ा बहुत जो हो जाए या ना हो सर घोषणा हो जाए अगले वित्तीय वर्ष में सर थोड़ा तो जो आसानी से हो जाए सर। ऐसी बात से आपकी अच्छा सुंदर समय हम लोगों ने बहुत अच्छा माहौल है, कल से पूरे प्रदेश से जवान आए हुए हैं, हमारे अधिकारी आए हुए हैं, सब लोग आपके मार्गदर्शन में पूरी तरीके से प्रदेश की सेवा करने के लिए एकदम संकल्पित हैं, लोग तत्पर हैं। आगे जो भी आपका आदेश होगा, जो भी चुनौती हम लोगों के सामने आएगी, हम लोग उसका सामना करने के लिए पूरे तरीके से 54 वर्षों बाद राज्य सरकार द्वारा ध्वज प्रदान किया गया, हमारे पहली बार ध्वज का निर्धारण हम लोगों ने किया, बैच जिला वर्दी सत्ता निर्धारण। जितनी दिक्कतें सर मंत्री जी के स्तर थे करीब करीब सब हो गए, अब खाली वित्त विभाग थोड़ा सा हम लोगों का उसको देखेंगे जी, बात करेंगे एक बार बैठक करके सर बुलवा करके बातचीत करके सर, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ बैठ करके और फर्स्ट ईयर में क्या हो सकता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो उसी हिसाब से फिर उसका समाधान होना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड को विभिन्न संस्थाओं में आज साथ साथ विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार और अन्य कार्यक्रमों में भी उनकी भूमिका होती है। रेलवे के जो संपार फाटक होते हैं
उसमें भी उनकी तैनाती किया गया है, तो अच्छा है कि